11 साल लगे लिम्का में जाने के लिए, हर बार रिजेक्ट 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 रिजेक्ट। उसमें था ना वो धनुष को बार बार चाटा ही मारते रहती, वो देते चाटा मारते चाटा, कौन सा पिक्चर था एक, उसमें वो चाटा ही खाते रहता है हमेशा, कौन सा पिक्चर था, रांझना में, वो बस वो देता है फूल उसको खट से, वो देता है फूल उसको खट से, वो मारती ही रहती है। ऐसे हमको रिजेक्ट किया गया, लेकिन हमको पता था कि दूध फटने पर वो लोग मातम मनाते हैं, दूध फटने पर वो लोग मातम मनाते हैं जिनको पनीर बनाना नहीं आता। हमने पनीर बनाना सीख लिया है, ये NSS आपको पनीर बनाना सिखा रहे साहब। ये कुछ चीज़ें ना कॉलेज में नहीं सीख सकते आप, बाहर आना पड़ेगा, ऐसे हाफ पैंट पहन के शर्ट बीट ऊपर करके फिर वो कुछ करना पड़ता है, उधर मिट्टी उठाना पड़ता है, घमेला उठाना पड़ता है, फिर वो खुद का खाना खुद बनाना पड़ता है, कभी नमक ज़्यादा हो जाता है तो चिल्लाना, लोग चिल्लाते हैं तो सुन के लेने का, हर चीज़ क्लासरूम में नहीं सीख सकते हैं, उसके लिए आना पड़ता है यहाँ पे 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए, जैसा रहेगा आपका। क्लियर हो गया ये? Yes, समझ में आ गया? Yes, तो हमें सीखना पड़ेगा। कहाँ थे हम लोग लास्ट पॉइंट में, कहाँ था? हाँ, तो माइंडसेट ऐप है, OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड हमने ये किया क्योंकि समझ में आ गया था लाइफ में जो निगेटिव होता है ना उसको पॉजिटिव में चेंज कर दो। अब ये पूरे दिमाग में सिर्फ वही घूमते रहता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड कोई भी आप किसी को भी लेके आइए, किसी भी पर्सन को लेकर आइए हमारे पास कि साहब इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, वो मैं बना देता हूँ, मेरा काम है, किसी को भी लेके आइए, नहीं साहब इसमें तो कोई टैलेंट नहीं, आपको नहीं लग रहा है ना। अभी एक 2 महीने की बच्ची ने हमारे इधर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, कितने महीने की, हाँ 2 महीने की बच्ची ने, हाँ 2 महीने की बच्ची ने, उसके बाद उसके पहले जो रिकॉर्ड था वो 7 महीने का था। उसके सामने 2 फोटो रखो, उसको बोलो इसमें से कौन सा एलिफेंट है, वो बताती है एलिफेंट है, कहाँ का, सिलीगुड़ी का है, पिताजी वो हवलदार हैं, वो ममता बनर्जी के इसमें, वो ममता बनर्जी के साथ वो हवलदार रहते ना उनके, उसमें काम करते हैं, वॉलंटियर जैसा काम करते हैं, बॉडीगार्ड जैसे हैं, उन्हीं का बच्चा है, सात महीने का बच्चा है। मैं बोला माँ को, बोला आप टीचर है क्या, बोले नहीं। फिर आपको कहाँ से मालूम पड़ा आपके बच्चे में टैलेंट है, बोले नहीं मैं उसको ना 2 कार्ड देती थी, उसको बोलता इसमें ऑरेंज कौन सा, एप्पल कौन सा है, बराबर वो एप्पल पे हाथ मारता था, और बराबर वो बच्चे ने, सोचिए ये मैं 7 महीने के बच्चे का बता रहा हूँ, 2 महीने का रिकॉर्ड लगता है, लेकिन 7 महीने का बच्चा पूरा रिकॉग्निशन कर रहा था, उसने रिकॉर्ड बना लिया। आप किसी को भी लेके आइए हमारे सामने, नहीं सर इसको भाषा नहीं आता है, कोई बात नहीं, हम लोग 28 देशों में रिकॉर्ड दे चुके हैं। तो आपका मन में क्या रहता है वो इंपॉर्टेंट है। अमिताभ बच्चन के मन में सिर्फ एक्टिंग रहता है, उसने कोशिश किया कुछ और करने का, ABCL, लेकिन नहीं चल पाया। आपके माइंड में क्या है उसको अभी से ट्रेनिंग दे दीजिएगा, और आप बचपन से आपके माइंड को ट्रेनिंग दे रहे, पता है आपको, आप बचपन से जूनियर KG से, सीनियर KG से, प्ले ग्रुप से, बालवाड़ी से, आंगनवाड़ी से, बचपन से मन को ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन उसको ट्रेनिंग नहीं दे पाया अभी तक। मोबाइल पहले आता था कि आपको चलाना, लेकिन आपने इतने बार ये कर लिया कि आपको पूरा आता है। किसी का भी मोबाइल लॉक होता है, अरे कुछ नहीं ये करने का, अरे मोबाइल गायब हो गया कुछ नहीं ये करने का, सब कहाँ से सीखा आपने, आपकी दिमाग में वही घूम रहा था। जब चीज़ वही घूमती है तो रिजल्ट वही देता है। क्लियर हो गया ये? कुछ डाउट है अभी कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है? तो दूसरा चीज़ है अपने माइंड को ट्रेनिंग देना शुरू कर दीजिएगा, माइंड को ट्रेनिंग। हाँ माइंड को ट्रेनिंग दूसरा नंबर पर क्या है, पहले नंबर पर धन्यवाद, दूसरे नंबर पर माइंड को ट्रेनिंग, ट्रेन योर माइंड। वी आर टॉकिंग अबाउट अ सेल्फ अवेयरनेस, दिस इज अ सेल्फ अवेयरनेस प्रोग्राम, और अपने आप को जानना यानी मन को जानिए। हमारे पास कितनी इमोशन होती है, थर्ड नंबर पे इमोशन हाईजेक। आपको पता है एयरपोर्ट पे आप हाईजेक ये वर्ड यूज नहीं कर सकते, पता है कि नहीं पता है? हाँ हाईजेक यानी जेक आ रहा है, हेलो जेक वो भी नहीं बोल सकते, हाई जेक वो भी नहीं बोल ही नहीं सकते आप, हाईजेक ये वर्ड ही नहीं यूज कर सकते। हाँ चलिए इमोशन हाईजेक, अभी ये इमोशन हाईजेक क्या होता है? हाँ और कई बार होता है ना मन क्यों भटक जाता है, लोग अपने मन को हाईजेक कर लेते हैं, हाईजेक होता है मन। अभी यहाँ पर एक घड़ी समझो लगाया है, हाँ ये राष्ट्रीय सेवा योजना की जगह सर ने एक बहुत बड़ा घड़ी लगा दिया, घड़ी लगाया हुआ है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है, एक चीज़ कभी गायब नहीं होगी, कौन सी चीज़ यहाँ से, एक चीज़ कभी गायब नहीं होगी, क्या? घड़ी। क्यों? चलिए बहुत सही बोला, आंसर सही दिया आपने, क्यों घड़ी गायब नहीं होगा, लेकिन सब चीज़ गायब होगा, ये इस्माइल यूसुफ का बोर्ड गायब हो जाएगा, ये जो पोडियम है ये गायब हो जाएगा, ये लादी गायब हो जाएगा, ये फैन गायब हो जाएगा, वायर बॉटल बीटल अमका तमका तिमका सब गायब हो जाएगा, लेकिन
यहाँ से घड़ी गायब नहीं होगी, क्यों? यस, सबका सेम नहीं, सब सही था, सबका सही बोला था आपने। उसके बाद सबका वक्त खत्म है, बट वो नहीं खत्म, मतलब सबका टाइम होता है, सबके पास 24 घंटे। वो चीज इसलिए गायब नहीं होगी, घड़ी कभी चोरी नहीं होगी, क्योंकि सबका ध्यान बार बार किस पे रहता है? घड़ी पे। और जिस चीज पे आपका ध्यान रहता है वो चीज कभी चोरी नहीं होती है। फिर से मैं बोलूं, आपका गोल आपसे कोई चोरी नहीं कर सकता है अगर आपका ध्यान रहेगा तो। आपने जो मुझे बोला है कि मुझे क्रिकेटर बनना है, कल बोलेंगे अरे यार क्या रे क्रिकेटर बनता है, ब्यूटी पार्लर डाल, ब्यूटी पार्लर बहुत चलता है। अच्छा, लोगों ने बोला सचिन तेंदुलकर साहब को, साहब ब्यूटी पार्लर डालो, बोलते हैं यार अपने को नहीं जमता है, अपने को समझ में भी नहीं आता है ब्यूटी पार्लर क्या होता है। लोग बोलेंगे आपको, अरे यार उसमें बहुत पैसा है, वो NSS से अच्छा ना उसमें जाओ, उसमें बहुत पैसा है, उसमें जाओ उसमें बहुत पैसा है। पैसा है लेकिन आपको समझने भी तो आना चाहिए। मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड पूरा समझ में आता है, दिन आप मेरे ऊपर पानी भी डालेंगे ना, मैं सोया हूँ तो भी मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड चिल्लाते रहता हूँ। एक दो नहीं, आज 40 रिकॉर्ड बन गए। अभी एक रिकॉर्ड मेरा बना पिछले महीने, 9 दिसंबर को मैं बैठा बोलने के लिए, और सॉरी 5 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक मैं लगातार बोल रहा था। हाँ, कंटिन्यूसली। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? क्या बोल रहा हूँ? 5 दिसंबर 8 बजे चालू हुआ लेक्चर, और 9 दिसंबर को शाम को 6 बजे लेक्चर ख़त्म हो गया। कंटिन्यू चल रहा था लेकिन कॉलेज का टाइम था बंद होने का, बोले साहब तुम्हारे वजह से छुट्टी सब कैंसिल हो गया है। मेरा चलो रुक जाते, 95 आवर 21 मिनट्स, गूगल कर लेना, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बिजनेस लेक्चर में आपको दिनेश गुप्ता का लेक्चर दिखाई देगा। ये एक लेक्चर अभी बना है, अभी एकदम हाल ही में, एकदम कड़ाई में से गरम गरम बता रहा हूँ। हमारे दिमाग में से वही चलता है, आपके दिमाग में क्या है? वर्ल्ड लॉन्गेस्ट बिजनेस लेक्चर, बिजनेस लेसन, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट बिजनेस लेसन, या बिजनेस लेक्चर भी डालेंगे तो अपने ही आ जाएगा उधर। इमोशन हाईजेक क्या होता है? लोग आपके इमोशन को हाईजेक कर लेते हैं, पता है आपको? आप कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं, आपके ऊपर कुछ आरोप लगा देंगे, आप कुछ अच्छा, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसा फ़ोन आ जाता है। कभी भी मैं लेक्चर देने जाता हूँ सर, शिरके सर, तो मैं पहले मोबाइल को ऑफ कर देता हूँ। कोई कंपनी में से कॉल आ जाएगा, सर उसका पेमेंट नहीं आया, या उसका पेमेंट आया है, ये हो गया है, वो हो गया, बच्चे का एग्ज़ाम अभी केमिस्ट्री का, अभी कल फिजिक्स हुआ सर, कल फिजिक्स हुआ, वो भी JEE का एग्ज़ाम, उसका क्या JEE कई एग्ज़ाम, यानी अभी वो उसका अभी 12th साइंस चल रहा है। तो कहीं से भी फ़ोन नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो मैं आपके ही साथ हूँ, बाकी मुझे पता नहीं है। कभी देखा सचिन तेंदुलकर को, अरे ए, एक मिनट रुक जरा, मैसेज आया अंजलि का, थोड़ा मैसेज देख लूँ जरा, ऐसा है। लेकिन हम पढ़ाई करते समय, अरे रुक जाए यार जरा, वो घर से इसका है उसका है, मम्मी तो बेचारी कभी कभी कॉल करती है, लेकिन हम बार बार मम्मी का नाम ले रहे, मम्मी का फ़ोन है बार बार। साहब मोबाइल देखिए ना, किसने मना किया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो इमोशन हाईजेक से बचे, क्योंकि एक कॉल का आने का मतलब इमोशन हाईजेक होना। ज़रूरी नहीं कि अच्छी न्यूज़ ही आएगी, नहीं क्या, कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा जब ये मोमेंट को एंजॉय कीजिएगा, यहाँ पर एकदम अर्जेंट है तो खुद ही देखिए, अर्जेंट मैसेज है ना आप तक पहुँच जाएगा, याद रखना। अर्जेंट मैसेज रहता है ना कुछ, वो आप तक पहुँच जाता है कैसे भी। पहले था ना, बिना मोबाइल का चल रहा था ना, कि हाँ छत्रपति शिवाजी महाराज को भी पता चलता था, अरे वो लोग आ रहे हैं अटैक करने के लिए आ रहे हैं, अरे अभी ऐसा होने वाला है, आगरा में ये होने वाला है, उनको पता चल जाता था। तब तो नहीं था टेक्नोलॉजी, फिर कैसे पता चलता था? ये 350 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 200 साल पहले भी लोगों को पता चल रहा था अर्जेंट ऐसा है। जब इंदिरा गांधी के ऊपर अटैक हुआ था 31 अक्टूबर को, उस समय भी लोगों को पता चला कि उनके ऊपर अटैक हो गया है। तब तो नहीं था टेक्नोलॉजी, तब लोगों के घर में टीवी भी नहीं था ज़्यादा, फिर कहाँ से पता चला लोगों को? पता चलता है ना न्यूज़, तो याद रखिए जो अर्जेंट न्यूज़ रहता है ना वो आपके पास पहुँच जाता है कैसे भी, कैसे भी, कि हाँ अभी 2000 का नोट बंद हो गया है, पता चल गया। जरूरी नहीं कि टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, पेपर पढ़ेंगे, वो पता चल जाता है, वो इन्वायरमेंट पहुंचा देती है मैसेज। तो जो अर्जेंट है वो आप तक पहुंच जाएगा, कैसे भी पहुंच जाएगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। और याद रखिए लाइफ में कोई इमरजेंसी ऐसा कोई चीज़ नहीं रहती है, एक दो कचित कभी तो भी एक साल में 2 बार 3 बार हुआ होगा, बाकी हम बोलते हैं सबको, अरे इमरजेंसी मत काय करना, कुछ नहीं करना है, इमरजेंसी नाम की चीज़ 1 या 2 बार होती है, बाकी ऐसा हमेशा नहीं होता है, और हमेशा हो रहा तो कुछ गड़बड़ है लाइफ में। तीसरे नंबर पे इमोशन हाईजेक, इमोशन को आप पॉजिटिव भी लीजिए, निगेटिव भी लीजिएगा। हिरकनी ने उसको पॉजिटिव लिया, कौन है हिरकनी? हिरकनी, मैंने थोड़ा सा अलग बोल दिया, बोलिए आप, बोलिए ना, नहीं नहीं आप बोलिए ना, मैं चाहता हूँ आप बोलेंगे,
नहीं, ये क्या नाम है, संदेश, हाँ नहीं पता है, वेरी गुड। आप बताएंगे बेटा, कभी बस के ऊपर देखा, हिरकणी, ग्रीन वाली। कोजागिरी का पूर्णिमा, एक माँ दूध मुहे बच्चे को नीचे रख के अपने सासू माँ के पास छोड़कर जाती है ऊपर, छत्रपति शिवाजी महाराज के किले पर, राजगढ़, हाँ राजगढ़ पर, वहाँ पर जाती है और वो ग्वालन रहती है, दूध बेचने वाली रहती है, और आते आते उसको लेट हो जाता है और वो जो बुरुज रहता है ना, वो दरवाज़ा रहता है किले का, बंद हो जाता है कुछ कारण से। उनका एक नियम था और वो ऐसा नियम था कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज बोलेंगे तो भी दरवाज़ा नहीं खुलेगा, तो भी नहीं खुलेगा। अब एक माँ और एक बच्चा, एक माँ है इधर और बच्चा इधर है, और वो बहुत डेंजर किला है, यानी उनके सारे किले ऐसे थे कि बहुत अलग ही अलग थे। अब उसमें सब जानवर, जंगली जानवर, उसमें आप देखेंगे जंगली जानवर थे, उसके अंदर सांप थे, बिच्छू, ब्ला 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 क्या क्या थे सारे जानवर।